Good morning, students. You know that today is 22nd April. 22nd April is Earth Day. Earth Day Prithvi Divas. आज पूरा विश्व पृथ्वी दिवस को बड़े धूमधाम से मनाता है. आज हम इसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करेंगे. You know that today is Earth Day. Prithvi Divas. बच्चों, ये पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? इसका मनाने का मुख्य कारण ये है कि अमेरिका के सीनियर सिटीजन थे गेलॉर्ड नेल्सन, वो उनका जन्मदिन 22 अप्रैल को ही होता है और वो एक बहुत बड़े पर्यावरणविद थे. वो पर्यावरण को लेकर बहुत चिंतित थे. वो यही सोचते थे कि मैं किस तरह से पर्यावरण की रक्षा करूँ. एक बार की बात है कि सन 1969 में अमेरिका में एक तेल का रिसाव हुआ, जिससे तेल के रिसाव होने से बहुत सारे जन क्षति को हानि हुई और जिस हानि को देखकर उनका मन बहुत दुखी हुआ. उसके बाद 22 जनवरी को फिर समुद्र में तेल रिसाव हुआ, जिसके कारण दसियों हजार समुद्री जीव हताहत हो गए और इससे वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने बीड़ा उठाया कि कुछ भी हो जाए, मैं इस पर्यावरण की रक्षा करूँगा. और इस दिन उन्होंने अपने साथ बहुत सारे देशों को जोड़ा इसमें और लोगों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपना समर्थन दिया. और तब से लेकर ये आज तक उनके जन्मदिन के उपहार के रूप में उनको आज ये अर्थ डे मनाया जाता है. सेव द अर्थ सेव योरसेल्फ. जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम पृथ्वी को सुरक्षित रखेंगे तभी हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी अपने आप में एक बहुत व्यापक शब्द है. इसमें जल, पेड़ पौधे, हरियाली, मनुष्य, जीव जंतु, हर तरह का प्राणी इसके अंदर आता है. यदि हमारी पृथ्वी सुरक्षित नहीं होगी और वो प्रदूषण से भरी हुई होगी तो सब जीवों के लिए पृथ्वी के बहुत नुकसानदायक है और पृथ्वी हमारी धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएगी. जैसा कि आजकल होता जा रहा है कि सभी लोग इस प्रदूषण भरे माहौल से बहुत दुखी हैं. पिछले कुछ दशकों से ये माहौल होता जा रहा है कि सांस लेना भी भारी होता जा रहा है. लेकिन आजकल जो ये कोरोना का माहौल चल रहा है, इसमें व्हीकल्स कम चलने से हमारी पृथ्वी काफ़ी प्रदूषण मुक्त हो गई है. पशु पक्षी खूब उन्मुक्त होकर अपना विचरण कर रहे हैं और सभी मनुष्य ताज़ी हवा में सांस ले रहे हैं. तो हम एक ही दिन क्यों मनाएं? हम एक ही दिन पृथ्वी दिवस क्यों मनाएं? हमें ये पृथ्वी दिवस हम रोज मना सकते हैं. कैसे? हम पेड़ पौधे लगाकर, कम से कम वाहनों का प्रयोग करके और जल का व्यर्थ नहीं होने देना जल को, और इस तरह हम अपनी प्राकृतिक संपदाओं का सही तरीके से उपयोग करके, उनको नष्ट ना करके, हम अपने प्राकृतिक वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं. बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि आपके घर कच्ची जगह हो तभी आप पेड़ पौधे लगाएं. आप छोटी सी जगह में भी गमलों में, गमले नहीं हैं अगर आपके पास तो आप घर में, इतने हमारे कई बार वेस्ट डिब्बे पड़े होते हैं, उनमें आप गत्ते का डिब्बा, सपोज करो एक गत्ते का डिब्बा लिया आपने, गत्ते के डिब्बे में पेड़ पौधे, आप सोचोगे मैडम कैसे लगेगा, उसमें पानी देंगे तो गत्ते का डिब्बा हमारा सारा खराब हो जाएगा. लेकिन बच्चों, हम जो गत्ते का डिब्बा है, हमने लिया किसी चीज़ में, गत्ते का डिब्बा आया, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि पॉलीथीन तो आती है कोई रखी हुई ऐसी मोटी, उसमें 2-3 लेयर की आप पॉलीथीन बीच में पहले लगाइए, उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी डालिए. और कई बार हमारे घर में चाय की वो जाना, चाय बनती है, चाय की पत्ती हो गई है, सब्जियों के छिलके हो गए हैं, थोड़ी सी वो थोड़ा थोड़ा उसमें डालते रहिए. और बीच में गाय का, आपको गाय भैंस का कहीं गोबर मिल, कहीं से भी आपको थोड़ा सा गाय भैंस का गोबर मिल जाए, थोड़ा उस डाल को मिट्टी को की उर्वरक शक्ति को बढ़ाइए. और पेड़ पौधे आप घर में, बहुत से पौधे तो ऐसे होते हैं कि उनकी तोड़ो डंडी वो लग जाती है, किसी की बीज लग जाते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप प्रकृति में हरियाली करके बहुत प्रकृति को, वातावरण को शुद्ध बना सकते हैं. इसके लिए बच्चों, एक तो हमें सबसे बड़ी बात है कि पॉलीथीन का यूज़ जो हम बाज़ार से ले जा सोचते हैं, अरे घर से थैला लेकर क्या जाएं, हम बाज़ार में ही सब्जी वाले से
फल वाले से पॉलिथीन ले लेंगे बच्चों, लेकिन ये गलत है। हम अपने घर में ही ठेला ले जाकर सब्जी फल और भी कोई सामान ला सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, वो मजबूत होगा, और दूसरा कई बार होता है कि हम नहीं चाहते कि हमारा कोई सामान ला रहे हो और कोई देखे, तो उससे भी बचाव हो जाता है और हम रास्ते में किसी जानवर का, कुत्तों का या किसी का डर नहीं रहता कि वो हमारी कोई चीज़ खाने की देख कर वो झपटेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने वातावरण के लिए खुद जिम्मेदार हैं। और जो ये विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, इसका हर साल कोई ना कोई थीम होता है। इस बार इसका 2020 का थीम है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन या वातावरण क्रियाएं। तो बच्चों, इसके लिए हम यही है कि हम अपने को जब तक जागरूक नहीं करेंगे, अपने आसपास के लोगों को खुद जागरूक नहीं करेंगे, तब तक हम पृथ्वी को नहीं बचा सकते हैं। एक मशहूर लेखक डेविड जी का कहना है कि हेनरी डेविड जी का कहना है कि वो तो शुक्र है कि मनुष्य उड़ नहीं सकता, अगर मनुष्य उड़ जाता तो वो आसमान को भी नरक बना देता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्यों ने ही पृथ्वी को सबसे ज़्यादा गंदा कर रखा है, और ये सब के दुखों का कारण कौन है? मनुष्य ही भोगते हैं, क्योंकि वो खुली हवा में सांस नहीं ले पाते हैं, ताजी हवा में सांस नहीं ले पाते हैं, और चारों तरफ उनके क्या है, पर्यावरण प्रदूषण ही प्रदूषण है। 2020 का ये पृथ्वी दिवस अपने आप में ही एक अलग तरीका मनाया जा रहा है, क्योंकि प्रकृति ने ही इस दिवस को अपने हाथ में ले लिया है। क्योंकि मनुष्य तो प्रकृति के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है, वो ज़्यादा ही प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है, क्योंकि वो इतना स्वार्थी हो गया है कि सिर्फ उसे अपना स्वार्थी दिखाई देता है। लेकिन भगवान ने कुदरत के माध्यम से ये बीड़ा अपने आप उठाया है, और अब देखिए इस पर प्रकृति कितनी साफ शुद्ध और सांस लेने योग्य हो गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों, इस पृथ्वी दिवस को हम केवल 22 अप्रैल को ही ना मनाकर अगर हम रोज़ मनाएं, तो शायद ये हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो बच्चों, आज मैं आपको एक होमवर्क ये दे रही हूँ कि एक तो आप अपने घर में पेड़ पौधे जैसे भी लगाएं, जितने भी लगाएं, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कि आपने कितने पेड़ पौधे लगाए हैं, और सब बच्चे कम से कम 5 पेड़ पौधे तो जरूर लगाएंगे। 5 तो कम से कम है, चाहे गमले में लगाएं, चाहे किसी डिब्बे में लगाएं, चाहे मिट्टी में लगाएं, चाहे कैसे लगाएं, और उनके नाम भी आप याद करिएगा कि आपने कौन सा पौधा लगाया। और दूसरा, इसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है अर्थ डे के ऊपर, आपकी पृथ्वी को बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं।